हेलो दोस्तों, आज का एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं मेरे पास चीनी का पाउडर है, ठीक है। ये है शुगर पाउडर और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों के बीच में रिएक्शन करवाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, यदि मेरे यूट्यूब चैनल जवाहरलाल यादव को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड को निकाल लेता हूं इस ढक्कन में, ठीक है। इसको ढक्कन में निकाल लेते हैं और इस शुगर पाउडर को उसके बाद डालेंगे इसमें, ठीक है, और दिखाएंगे कि किस प्रकार से यह रिएक्शन करता है। इसको अच्छा से दबाते हैं तब निकलेगा, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कि ये निकल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इसमें। देख सकते हैं दोस्तों कि इसको निकाल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड को निकाल लिया है। अब इसको हम पहले ट्राई करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि यह चीनी का पाउडर है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसका हल्का सा लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेक करके दिखाते हैं कि यह चीनी का पाउडर है या नहीं। देख सकते हैं ये है, इसको हम खा करके दिखाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने खा के दिखाया, ठीक है। यह बहुत मीठा है, ठीक है। अब इसमें हम डालने वाले हैं, उसके बाद डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को और दिखाएंगे कि आपको कि रिएक्शन क्या करता है, ठीक है, कितना ये रिएक्शन किस प्रकार से करता है। इसको मैंने डाल दिया और इसको मैं डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इसको घर पर ट्राई ना करें, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जानते ही हैं कि यह बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसको मैं डाल दिया, ठीक है, यह किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है। देख सकते हैं ये बिल्कुल काला हो गया, ठीक है। और देख सकते हैं ये कैसा निकल रहा है, देख सकते हैं ये काला सा निकल रहा है, देख सकते हैं। ओहो, लगता है ये पहाड़ खड़ा हो रहा है, देख सकते हैं, गजब। देख सकते हैं किस प्रकार से ये रिएक्शन करके एकदम काला सा हो गया, ठीक है। पहले किस तरह था, वाइट था, ठीक है, लेकिन अब यह काला हो गया पूरी तरह से। अभी भी रिएक्शन करता ही है, थोड़ा सा और डालते हैं इसमें, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कि लग रहा है कि अब आग लग जाएगा, ठीक है, और देखते हैं कि ये कैसा है, छू करके देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कि ये टाइट भी हो गया है, ठीक है। इसको हम छूते हैं तो ये दबता नहीं है, कम दबता है, ठीक है। इसको हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, अभी भी रिएक्शन कर रहा है, थोड़ा देर तक वेट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। ये बिल्कुल देखने में एकदम लग रहा है कि एकदम गोबर जैसा, ठीक है, एकदम काला हो गया देखने में। तो दोस्तों, इसको घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि इसको हम जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सावधानी के साथ करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं इसको हम निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि कैसा हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये लग रहा है कि जो कि देहात में घर के मतलब घर में जो गोइठा ठोकते हैं गोबर, वैसा ही हो गया है। देख सकते हैं ये बिल्कुल गोइठे के जैसा हो गया, ठीक है, जिसको जलावन के रूप में उपयोग करते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि यह एक्सपेरिमेंट आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें।